अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब ठीक ठाक हो, खुशबाश हों। आज है बारिश का मौसम और हम बना रहे हैं सागुदाने के डोनट्स, कटलेट्स, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं, लेकिन बिलीव मी दीज आर सुपर टेस्टी। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 मीडियम साइज के आलू और उनको बॉयल करके मैश कर लेना है। मैंने मैश कर लिया है और अभी हम सबसे पहले इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं, ये देखिए। और इसके साथ ही हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं सब ऐड कर देंगे। ये हो गए हमारे आलू। और इसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सागुदाना। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके 3 से 4 दफ़ा पानी में भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने अभी उसको एक छन्नी में छान के पानी सारा ड्राई कर लिया था। और अब हम वो जो सागुदाना है ड्राई किया हुआ, इसका पानी अच्छे से स्ट्रेन करना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो जो हमारे डोनट्स हैं या जो कबाब हैं वो बिल्कुल ही नरम हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, देखिए। और अभी हम इसमें डालते हैं बाकी मसाले। जी, ये है धनिया। सब चीज़ें आपके अपनी चॉइस में हैं कि आप उनमें कितनी क्वांटिटी चाहते हैं। धनिया हमें अच्छा लगता है, हम इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए अदरक है, अदरक को भी हमने बहुत ही बारीक सा चॉप किया हुआ है। ये यूं ही लग रही है जैसे कूटी हुई है, लेकिन ये चॉप की हुई है। ये हम इसमें डाल देते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इसके साथ ही हरी मिर्चें हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं, 2 के करीब हरी मिर्चें हैं वो भी हमने इसमें डाल दी। और इसके अलावा अब हम डालेंगे इनमें नमक, मिर्च 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर स्पून भर के हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून भर के ही हम इसमें डाल रहे हैं सूखा धनिया पाउडर। नमक इसमें डालेंगे हसबे जायका। ये है सफ़ेद तिल, इनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और ये भी हम 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। या इसके अलावा इसमें जाएगा 1 लेमन, लेमन डालने के बाद अभी हम इसमें डाल रहे हैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और वो डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो वो है पीनट। पीनट को हम हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इनको दरदरा सा कूट लेंगे। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बन रही है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद करना है हमने इसको मिक्स। मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे हाथ। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर। ये हो गया है अच्छे से मिक्स। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको शेप कैसे देनी है। ये देखिए, हम एक लेंगे, इसको अच्छे से बॉल बनाएंगे, इसको दबाना है ताकि ये यकजान हो जाए, और पकाते हुए जब हम इसको फ्राई करेंगे ये टूटे नहीं। इसको बार बार यूं करेंगे। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको डोनट शेप में भी कर सकते हैं, सिर्फ इसमें हल्का सा सुराख करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी इसकी शेप आ चुकी है। इसी तरह से हम इनको बना के रख लेंगे।
हम सारे बना के रख लेंगे, हम ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये इंडियन स्ट्रीट फूड है। अक्सर इनको फ्राई करते हुए ये टूट जाती हैं, लेकिन ये क्यों टूटती हैं? क्योंकि हम इनको हल्की आंच पे फ्राई कर रहे होते हैं ठंडे तेल में, इस वजह से ये टूट जाती हैं। तो जब भी इनको फ्राई करें, जो ऑयल है हमारा वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब ऑयल गर्म हो जाए पलटने तक आंच जो है वो हमने तेज रखी है, और अभी हम आंच को थोड़ा सा हल्का करेंगे, मीडियम टू हाई रखेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा लाइट कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। एक बार में बस थोड़े से डालेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा डाल देते हैं तो ऑयल जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इससे भी जो है ये टूट जाते हैं। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। हम ये लॉन्ग वाले बनाते हैं। ये बनने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने ये तीन शेप में बनाए हैं, इसके अलावा भी आप किसी शेप में बना सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद आए, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। दुआ है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।